सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट नंबर 23 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट साइंस एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड द न्यू चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो आज की इस वर्कशीट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये तो हम पहले भी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव लाइफ, जिनके अंदर लाइफ होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, विच डजंट हैव लाइफ। अब आप समझ गए कि लिविंग में लाइफ होती है और नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो बिफोर वी स्टार्ट आर वर्कशीट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैं जानता हूँ कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन एक ही दिन में आपको नहीं मिल पाती, वो नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मिलती है। तो आप सारी वीडियोस को देखने के लिए इतना ज़रूर कीजिए कि एक बार चैनल पर ज़रूर जाके देखें। चैनल पर जिस दिन की वर्कशीट आनी होती है उससे एक दिन पहले अपलोड कर दी जाती है, वहाँ पर जाके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आर वर्कशीट। लेट्स रिवाइज। राइट द नेम्स ऑफ 5 लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ईच एंड नेम द प्लेस वेयर यू हैव सीन देम। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि 5 लिविंग थिंग्स और 5 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं और किन प्लेसेस पर आपने उनको देखा है, उन प्लेसेस का नाम। बहुत ईजी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक दे रखा है। जैसे लिविंग थिंग्स में देखिए नेम एंड प्लेस अलग अलग कर रखा है। नेम लिजर्ड, छिपकली, कहाँ पर देखा है आपने, ऑन द वॉल। फिर इसके बाद बाकी के 5 आपको अपने आप लिखने। दीज आर माई सजेशंस। आप अपने सजेशंस, आप अपने ओपिनियन यहाँ पर खुद भी लिख सकते हैं। जैसे लॉइन, लॉइन को हम कहाँ देखते हैं, जंगल। फिश, वाटर। प्लांट्स, वेयर हैव यू सीन, गार्डन। डॉग, इन द हाउस। एंड बर्ड्स, ऑन द ट्रीज। एंड नॉन लिविंग थिंग, एग्जाम्पल टेबल, इन स्कूल और इन होम। तो हम दोनों जगह देखते हैं, स्कूल में भी देखते हैं और होम में भी देखते हैं। फिर इसके बाद है ब्लैक बोर्ड। ये नॉन लिविंग थिंग है, आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड कहाँ देखते हैं, इन द स्कूल। टी वी कहाँ होता है, इन द होम। कार, इन द गैराज। पेन, इन द बैग और ज्योमेट्री बॉक्स। एंड कंप्यूटर, इन होम, स्कूल एज वेल एज ऑफिस। एंड देन अडेप्शन। वॉट इज अडेप्शन, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल्स अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अडेप्शन। यानी देखिए कि कोई भी ऐसा स्पेशल फीचर या कोई स्पेशल हैबिट जो कि किसी प्लांट या एनिमल को उसकी सराउंडिंग में रहने के लिए उसको कैपेबल बनाती है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि वो अपने उस सराउंडिंग में रह पाता है, इसको हम अडेप्शन कहते हैं। अब आपको समझ में आया व्हाट इज़ अडेप्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैबिटेट। हैबिटेट, व्हाट इज़ हैबिटेट, द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड अ हैबिटेट। वो सराउंडिंग जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम हैबिटेट कहते हैं। तो सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। फर्स्ट इज एरियल हैबिटेट्स। एरियल हैबिटेट्स का मतलब जो आसमान में जिनका आवास होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन डू देयर एक्टिविटीज़ इन द एरियल एनवायरनमेंट। यानी वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अपनी एक्टिविटीज़ एरियल एनवायरनमेंट यानी आकाशीय परिवेश में करते हैं। तो इसी के ऊपर बेस है कि राइट द नेम्स ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिज्म, यानी आकाशीय प्राणियों के 2 नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ईगल एंड द पीजन। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके खुद के ओपिनियन हो, आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। नाउ द सेकेंड हैबिटेट इज एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी जलीय आवास, जो जिनका घर जल में होता है, पानी में होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। और ये किन से बनता है, उन प्लांट्स और एनिमल्स से जो कि वाटर में रहते हैं। तो राइट द नेम्स ऑफ 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ पर फिश एंड ऑक्टोपस लिखा,
आप कुछ और नाम भी लिख सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, मतलब स्थलीय आवास, जमीन पर जिनका आवास होता है, घर होता है, हैबिटेट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड, यानी वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं, वो उनका जो हैबिटेट होता है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। राइट द नेम्स ऑफ टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मैंने यहाँ पे द लॉइन एंड द फॉक्स लिखा। आप किसी ट्री का नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रीज भी आते हैं तो हम उनका नाम भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट ऑल्सो द नेम ऑफ ट्रीज। सो लिस्ट द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफ्रेंशिएट्स देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। आपको उन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स को लिखना है जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाती हैं, अलग बनाती हैं। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ऐसे बना के भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है लिविंग और नॉन लिविंग, और जैसे मैंने लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, ईट, ग्रो, मूव, रिप्रोड्यूस एंड हैव सेंसेस, यानी सभी जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सांस लेती हैं, खाती हैं, ग्रो करती हैं यानी वृद्धि करती हैं, बढ़ती हैं, मूव करती हैं, वो चलते फिरते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही और लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनके अंदर सेंसेस होती हैं। इन स्पाइट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, ग्रो, ब्रीद, मूव एंड रिप्रोड्यूस, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ना तो खाती हैं, ना ग्रो करती हैं, ना ब्रीद करती हैं, ना मूव करती हैं और ना रिप्रोड्यूस करती हैं। एंड देन बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर पार्ट ऑफ एन एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट का वो पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम बायोटिक कॉम्पोनेंट कहते हैं, सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड बिल्कुल इसके ऑपोजिट क्या है, अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स फैक्टर्स इन एन एनवायरमेंट, यानी किसी एनवायरमेंट में जो अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स वो होते हैं, जो जितने भी सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे अबायोटिक कॉम्पोनेंट होते हैं, सच एज सैंड, एयर एंड वाटर, जैसे कि सैंड यानी मिट्टी, एयर एंड वाटर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।